जो मजा मैसेज सीन करके छोड़ देने में है ना, वो ब्लॉक करने में भी नहीं है। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। Falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute. Oh my god, he's following me. नहीं नहीं, आपके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ दीदी। जो लाखों करोड़ों में एक होते हैं ना, जी हाँ वही हूँ मैं। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? हाय हाय, ये मुझे ना हर जगह फॉलो करता है। अरे भैया सुनो तो सही, तू रुक जा, तेरे फॉलो करता है नहीं है, बता दे इसको, फॉलो करता है इसको तू? अरे सुन तो लो, कहाँ फॉलो करता हूँ यार मैं इसको, टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। सॉरी साला, अभी की अभी ब्लॉक करता हूँ इसको, 3 फॉलोअर तो इसके है। ऐसे नहीं बोलते बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शर्म कर, तेरी आदतें वही। राजू। हाँ साहब। ये कूड़ा फेंक क्या अभी? साहब रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, सुबह फेंक आऊंगा। ठीक है। साहब जी। हाँ राजू। कूड़े में बहुत ज्यादा बदबू हो रही है, उसको फेंक ही आता हूँ मैं। जा फेंक क्या। क्या हुआ तुम्हें, चोट कैसे लगी? कुछ नहीं यार, एक औरत स्कूटी पर टक्कर मार के चली गई। तुमने उसकी स्कूटी का नंबर नोट किया, कौन थी? नहीं, दर्द की वजह से कलर और उसका नंबर तो याद नहीं रहा स्कूटी का। हाँ लेकिन बहुत सुंदर और सुनहरे बाल वाली थी, उसने गहरे कलर का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़िया थी उसके हाथ में और हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी और ना हाथों में मेहंदी लगी थी, कानों में हीरे की बालियां थी और हाँ उसके दाएं गाल पे होठों के नीचे एक तिल भी था। ओ इतना अंधेरा क्यों है भाई? अरे अरे अरे, मुझे गोद में क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पंडित जी ने मुझसे रोमांस करने के लिए बोला है क्या? अरे नहीं यार, पंडित जी ने बोला है अपने दुख और दर्द दोनों खुद उठाओ। सबने मशहूर कर दिया मुझे ये कहकर कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, सबने मशहूर कर दिया मुझे ये कहकर कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, पर पता नहीं क्यों पहली बार
अच्छे लगे मुझे इल्जाम लगाने वाले। हम थोड़े दिन खामोश क्या हुए, कुत्तों ने समझ लिया जंगल हमारा है। क्या आपको पता है हमारी उंगलियों के बीच में एक गैप क्यों होता है? अगर आपको पता चलेगा शायद आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन 3 दिन हो गए मुझे ढूंढते हुए, तब जाके मुझे पता चला ये गैप इसलिए होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक बंदा ऐसा आएगा इन उंगलियों के बीच में, एक बीड़ी दे जाएगा तुम्हारे, नू गएगा फूक ले कछु ना रखो जा जिंदगी। बेबी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? नहीं बेबी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आओ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद तुम अकेले रह जाओ। ठीक है, कर लूँगा बेबी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और मेरा गोल्ड, क्या तुम उसे वो भी दोगे? नहीं बेबी, मैं उसे वो नहीं दूंगा। और हमारा कमरा, क्या तुम उसके साथ ये भी शेयर करोगे? बेबी कहाँ से, इसमें हमारी यादें बसी हुई है। और मेरी ये जीन्स बहुत महंगी है, क्या तुम उसे वो भी दे दोगे? अरे नहीं बेबी, तुम्हारी कमर तो 34 की है, उसकी 22 की है। दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए।